स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 3 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम था आपका जीके प्लैनेट, और इसका टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। इसका चैप्टर नंबर 24 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 25, जो कि पेज नंबर 38-39 पर। चैप्टर नंबर 25 का नेम है प्लांट फैक्ट्स। ओके, तो प्लांट्स के जो फैक्ट्स रहते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। हमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती है प्लांट्स की अक्रॉस द वर्ल्ड में, है ना। ऑल दीज प्लांट्स एंट्री हैव यूनिक फीचर्स। हर प्लांट का एक यूनिक फीचर्स होते ही होते हैं, बट देयर आर सम प्लांट एंट्रीज हुज अमेजिंग फीचर विल फिल योर माइंड विद द फैसिनेशन एंड सरप्राइजेस। तो कुछ एक ऐसे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जिनकी एक ऐसे ही यूनिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से चौंक जाएंगे या फिर आप सरप्राइज रह जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ हमें प्लांट्स और ट्रीज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो डिस्क्रिप्शन रीड करके बताना है कि ये कौन सा प्लांट है या ट्री है। तो इस प्लांट का जो फ्लावर होता है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है। जितने भी हमारे फ्लावर्स होते हैं, इसका फ्लावर शुरू रहता है जो लगभग 1 मीटर वाइड हो सकता है, चौड़ा। 1 मीटर मतलब काफी बड़ा होता है बच्चों। और इसका वेट लगभग 11 kg हो सकता है। 11 kg, समझ सकते हैं आप कितना भारी होगा ये। इट स्मेल्स लाइक अ रॉटन मीट, और बड़ी बेकार सी स्मेल आती है इसकी। तो इसका नेम बताना है हमारे लिए, इसका है रफलेशिया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो सी वाले में लिखा हुआ है REFF, मैं लिखता हूँ REFF NESIA। क्लियर? दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों, दिस प्लांट हैज अ स्मॉल सॉफ्ट लीव्स। छोटी छोटी स्मॉल सॉफ्ट लीव्स होती हैं इस प्लांट की, जो कि बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। व्हेन एनीवन टचेज इट देयर लीव्स दे फोल्ड इनवर्ट एंड ड्रॉप। तो अगर इनकी लीव्स को कोई टच करता है तो ये फोल्ड हो जाती है और अपने आप नीचे गिर भी जाती है। तो सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा टच मी नॉट। कौन सा हो जाएगा? टच मी नॉट। इसके डिस्क्रिप्शन से भी मैच कर रहा है, तो मैं लिख देता हूँ TOUCH, टच मी नॉट। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। थर्ड पे आ जाते हैं बच्चों। द नेम ऑफ दिस ट्री रिफर्स टू द पेक्यूलर शेप ऑफ इट्स ट्रंक। देखो कैसा अजीब सा ट्री है। इट्स नेटिव इट इज नेटिव टू ड्राई पार्ट ऑफ मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का नेटिव है। इट कैन स्टोर हंड्रेड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर इन इट्स ट्रंक। और ये सैकड़ों लीटर पानी अपने ट्रंक में क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो इस ट्री का बच्चों नाम बताना है। तो इसका जो नेम है वो है बाओबाब, ठीक है, BAOBAB। दिस इज द आंसर फॉर थर्ड। फोर्थ पे आ जाते हैं। दिस अमेजिंग प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड टेलीग्राफ प्लांट। ये प्लांट टेलीग्राफ प्लांट्स के नेम से भी जाना जाता है। और ये बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इनमें अमंग ऑल एशियन कंट्रीज में ये देखने को हमें मिलता है, ये वाला जो प्लांट है। इट्स लीव्स शो अप एंड डाउन रिदमिक मूवमेंट। तो इसकी लीव जो रहती हैं तो शो अप होती हैं, अप एंड डाउन, और रिदमिक मूवमेंट शो करती रहती हैं इसकी लीव्स। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है डांसिंग प्लांट। क्या है? डांसिंग प्लांट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं DANCING, डांसिंग प्लांट, PLANT। आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे बच्चों। ये जो ट्री है इसमें वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सीड आती है। इट बिलोंग्स टू द पाम फैमिली, है ना, पाम फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इट इज फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है हमारे लिए। इट टेक्स अराउंड 10 ईयर फॉर द सीड टू रिपन, और 10 साल में इसकी सीड मीन्स आती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाले का बच्चों, ये है कोको। देखो यहाँ पे जी में लिखा ना, कोको डी मैर, COCOCOCODEMER, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा फिफ्थ का। अब आते हैं बच्चों सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ वाले में बच्चों लिखा हुआ है, दिस इज अ ह्यूज ट्री विच इज ग्रोन टू ऑब्टेन फाइबर। एक ये बहुत बड़ा ट्री है, मीन्स बड़ा ट्री है जिसमें बड़े के ये क्या फाइबर्स आते हैं इसमें। और ये फाइबर यूज करते हैं हम पिलो बनाने के लिए, क्लेट्स बनाने के लिए, मैट्रेस एक्सेट्रा, ये सब बनाने के लिए। द ट्रंक ऑफ द लार्ज ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री आर कवर्ड विद अ लार्ज थ्रोन्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों सिक्स्थ वाले का वो हो जाएगा कपूक, कपूक, KAPOK।
मैं लिख देता हूँ KAPO, तो सिक्स्थ हो गया। अब हम आ जाते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ में लिखा हुआ है ये एक जापानीज ट्रीज है, फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी, और बहुत ही अच्छी मीन्स ब्यूटीफुल ट्री है, इस वजह से ये बहुत फेमस है। देयर आर अराउंड 200 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दिस ट्री, लगभग 200 वेराइटीज है इस ट्री की जो कि पूरी दुनिया में पाई जाती है। तो सेवेंथ का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है चेरी ब्लॉसम। क्या है? CHERRY BLOSSOM, चेरी ब्लॉसम। लास्ट में लिखा हुआ है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हार्डेस्ट ट्री है, इट्स थिक बार्क मेक्स अ फ्लेम रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस टू फंगल मीन्स फंगस वगैरह नहीं लगता है, और वुड बोरिंग बैटल्स वगैरह नहीं लगते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा जो हमारा बी वाला पार्ट है वही होगा, सेक्वोया, ठीक है, SEQUOI है, अब आप प्रोनाउंस करते रहना इसको। तो ये हो गया बच्चों हमारा एट्थ पार्ट भी कंप्लीट, सॉरी हाँ एट्थ पार्ट। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 25 हुआ कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 26 नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आई वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।